संगीत की देवी सरस्वती, सुना होगा आपने। इस सरस्वती का जो वंदन करता है, जो वंदना करता है, मैंने सुना है दुखी नहीं होता और उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। भारत यूँ तो काफ़ी विशाल देश है और इस विशाल देश में छोटे छोटे शहर भी हैं। जहाँ भी छोटे शहर हैं वहाँ उस शहर की ज़रूरतों के हिसाब से कंपोजर्स या संगीत की दुनिया से जुड़े लोग भी आपको मिल जाएंगे। और ऐसे में ही एक शख्स हैं गया में, धीरज मिश्रा जी। धीरज मिश्रा जी सरस्वती का वंदना करते हैं और गया में इन्होंने संगीत को ऊंचाई पे लाने में काफ़ी योगदान दिया है। और अब हम इनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने कंपोजिंग शुरू की, क्या उनको इस फील्ड में लाया। धीरज जी, अब बताएं कि कैसे इस क्षेत्र में आए, कंपोजिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में। जी, मैं जब से होश संभाला तो मेरे रगों में तो एक कलाकार शुरू से ही रहा है। मैं बचपन से ही गाना गाया करता था और कुछ समय बीतने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ लिखूं भी, तो मैं गीत भी लिखना शुरू किया। और इस तरह से एक किसी का लाने का प्रयास मेरे पीछे नहीं है, एक प्राकृतिक कहिए कि मैं संगीत के लिए ही पैदा हुआ हूँ, इस तरह से मैं संगीत में। धीरज जी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आर्थिक संकट रहता है, आपको लगता है कि आपके इस क्षेत्र में भी आप आर्थिक तंगी से रूबरू हो रहे हैं? हाँ, शुरुआती दौर में तो ऐसा हुआ मेरे साथ आर्थिक तंगी से। मैं बहुत म्यूज़िक लाइन में मैं पीछे रहा, मगर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया मैं आगे बढ़ता गया। और कुछ मेरे मित्र लोग भी हैं जो कि आर्केस्ट्रा ग्रुप से हैं, जो मुझे मतलब किसी ग्रुप से जोड़ने का काम किया है उन्होंने। जैसे मेरे एक अरविंद जी हैं, म्यूज़िक टीचर हैं वो और दीपक सुरमई ऑर्केस्ट्रा के हैं, तो उन लोग मुझे मिलन ऑर्केस्ट्रा से जुड़ा था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना गायकी में पहचान करने लगा और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। धीरज जी, आपको लगता है कि आप गायकी क्षेत्र में या जो कंपोजिंग क्षेत्र से आप अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? हाँ जरूर, इस क्षेत्र में भी है ऐसा बना हुआ कि हम अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकते हैं। इसमें 6 साल का प्रभाकर कोर्स मैंने किया है और फिर मास्टर इन म्यूज़िक की डिग्री चंडीगढ़ से ली। तो इस तरह से म्यूज़िक जो भी फॉर्म आता है उसको भी मैं फिलअप करता हूँ और बाकी का जो है जो अपना कार्यक्रम भी भजन का कार्यक्रम करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम। किसी राज्य स्तरीय या देश स्तरीय स्तर पर भी आपने काम किया है? राज्य स्तरीय कार्यक्रम नीतीश जी से जो भी है जुड़े हुए हैं जदयू से, और राजू गढ़वाल के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए, और अभी शराबबंदी की भी चर्चा हुई है तो उसमें भी मुझे बोला गया है कि कुछ शराबबंदी पे गीत लिखिए, तो मैंने लिख कर रखा है। और जिस दिन मेरा ये हो जाएगा कि हाँ ये आज शराबबंदी के ऊपर कोई कार्यक्रम करना है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ।